मेरा नाम सी एस उमित गर्ग है और एक व्यूअर की रिक्वेस्ट पे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जीएसटी ऑन रेस्टोरेंट बिजनेस। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज के टाइम में रेस्टोरेंट बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं और इंसान जिस भी प्लेसेस पे विज़िट करता है कहीं ना कहीं उसे खाने का आइटम मिल ही जाता है। तो समझते हैं जीएसटी का रेस्टोरेंट बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट है और इसके ऊपर कितना रेट जीएसटी का प्रिस्क्राइब किया गया है। तो जो जीएसटी का रेट्स है उससे रिलेटेड जो नोटिफिकेशन है वो 20/2019 इशू की गई थी 30 सितंबर 2019 को, जहां पर उसका रेट 18% से रिड्यूस करके 5% कर दिया गया था। सबसे पहले समझते हैं रेस्टोरेंट सर्विस किसे कहते हैं। रेस्टोरेंट सर्विस मीन्स सप्लाई बाय वे ऑफ और एज ए पार्ट ऑफ एनी सर्विस, मतलब आपको सप्लाई करनी है किस चीज़ की, ऑफ गुड्स बीइंग फूड और एनी अदर आर्टिकल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और एनी ड्रिंक। मतलब अगर आप कोई भी फूड सर्व कर रहे हैं तो उसे रेस्टोरेंट सर्विस कहा जाएगा। अब वो बाय वे ऑफ और एज ए पार्ट ऑफ एनी सर्विस हो सकता है, या तो गुड्स सप्लाई करने की सर्विस है या फिर कोई और सर्विसेज के साथ भी आप गुड्स सप्लाई कर रहे हैं तो उसे रेस्टोरेंट सर्विसेज कहा जाएगा। प्रोवाइडेड बाय रेस्टोरेंट ईटिंग जॉइंट इंक्लूडिंग मैस कैंटीन वेदर फॉर कंजम्पशन ऑन और अवे फ्रॉम द प्रेमाइसिस वेयर सच फूड और एनी अदर आर्टिकल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और ड्रिंक इज सप्लाइड। तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसी प्रिमाइस पे कंज्यूम करनी है, टेक अवे ऑर्डर्स भी रेस्टोरेंट सर्विस का ही पार्ट्स रहेंगे। तो रेस्टोरेंट सर्विस हम समझ गए हैं कि जहाँ पर भी खाना सप्लाई किया जाएगा, गुड्स सप्लाई किया जाएगा, अब वो गुड्स अकेला भी सप्लाई किया जा सकता है या विद सम सर्विसेज सप्लाइड किया जा सकता है, तो उसे हम रेस्टोरेंट सर्विस कहेंगे। सेकंड सर्विसेज जो लोगों को जिसको समझने में दिक्कत होती है वो है आउटडोर कैटरिंग। आउटडोर कैटरिंग मीन्स सप्लाई बाय वे ऑफ और एज ए पार्ट ऑफ एनी सर्विस ऑफ गुड्स बीइंग फूड और एनी अदर आर्टिकल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और एनी ड्रिंक। यहाँ तक अगर आप रेस्टोरेंट सर्विस की डेफिनेशन देखेंगे और आउटडोर कैटरिंग की डेफिनेशंस को देखेंगे तो यहाँ तक बिल्कुल सेम है, लेकिन आउटडोर कैटरिंग में इन्होंने बोला है दिस, ये जो सर्विसेज दी जानी चाहिए, पहली वाली सर्विसेज जो दी जानी चाहिए वो प्रोवाइडेड बाय रेस्टोरेंट होनी चाहिए, बट ये जो रेस्टोरेंट के द्वारा प्रोवाइड नहीं की जानी चाहिए ये एक स्पेसिफिक लोकेशंस पे प्रोवाइड की जानी चाहिए, लाइक एट एग्जीबिशन हॉल्स। कहीं पर एग्जीबिशन लगाया है और वहाँ पर आउटडोर कैटरिंग की सर्विसेज आपने प्रोवाइड की है, इवेंट्स, कॉन्फ्रेंसेस, मैरिज हॉल्स एंड अदर आउटडोर और इंडोर फंक्शंस दैट आर इवेंट बेस्ड। मतलब अगर आप आउटडोर कैटरिंग को समझना चाहते हैं तो रेस्टोरेंट वाली सर्विसेज अगर आपके स्पेसिफिक इवेंट पर प्रोवाइड की जा रही हैं तो उसे आउटडोर कैटरिंग कहा जाएगा एंड दिस शुड बी ओकेजनल इन नेचर। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर परमानेंट सी वहाँ पे दिखाई दे कि वो 20-25 दिनों के लिए या समथिंग 1 महीने के लिए आपका उन्होंने एक सेटअप तैयार किया है जहाँ पर आपको वो रेस्टोरेंट वाली सर्विसेज दी जाएंगी तो उसे फिर आउटडोर कैटरिंग नहीं माना जाएगा, वो इवेंट बेस्ड होनी चाहिए। तो जो कैटरिंग की सर्विसेज है वो किसी इवेंट से लिंक्ड होनी चाहिए। तो रेस्टोरेंट सर्विस और आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज की डेफिनेशन को हमने समझा। साथ ही जो इसके रेट प्रिस्क्राइब किए गए हैं वो डिपेंड करते हैं कि ये सर्विसेज किस लोकेशन पे प्रोवाइड की जा रही है। मेनली उसमें होटल लोकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है और वहाँ पर होटल को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक जिसके डिक्लेयर टैरिफ 7,500 रुपये से कम है और एक जिसके डिक्लेयर टैरिफ 7,500 या इससे ज़्यादा हैं। तो ये डिक्लेयर टैरिफ का क्या मतलब है सबसे पहले इसे समझते हैं। डिक्लेयर टैरिफ मीन्स चार्जेस फॉर ऑल द एमिनिटीज प्रोवाइडेड इन द यूनिट ऑफ अकोमोडेशन। मतलब यूनिट का मतलब समझेंगे, आप जो कमरा दे रहे हैं एकोमोडेशन के लिए, रेंट पे रहने के लिए, उसके अंदर आप जो भी एमिनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, फर्नीचर दे रहे हैं, एयर कंडीशनर दे रहे हैं, मिनी फ्रिज या रेफ्रिजरेटर दे रहे हैं या किसी भी और तरीके की कोई एमिनिटीज आपने प्रोवाइड की है तो उसके भी चार्जेस डिक्लेयर टैरिफ का पार्ट बनते हैं।
but without excluding any discount offered on the published charges for such unit. तो जितनी भी तरीके की amenities हैं उन सभी का एक consolidated charges जो भी declared कर रखा है तो वो आपका declared tariff कहलाएगा. और इसमें अगर आपने suppose कीजिए आपने किसी room का rent सारी amenities के साथ 7,000 रुपये declare कर रखा है और आप जब कोई आपके relatives या कोई रहने आते हैं आप उनके लिए कंसेशनल डिस्काउंट कर देते हैं 1,000 रुपीज़, तो वो डिस्काउंट डिक्लेयर टैरिफ में से माइनस नहीं किया जाएगा. यानी कि जो डिक्लेयर टैरिफ रहेगा वो 7,000 रुपीज़ ही रहेगा. तो तीनों डेफिनेशन मेरे को लगता है आपको समझ में आ गई होंगी. सबसे पहली रेस्टोरेंट सर्विसेज की, अगर कहीं पर भी कोई फूड सप्लाई किया जा रहा है किसी सर्विस के साथ या बिना सर्विस के, जो कि प्रोवाइड किया जा रहा है एक रेस्टोरेंट के द्वारा, ईटिंग जॉइंट्स या मैस के द्वारा, कैंटीन्स के द्वारा, तो वो रेस्टोरेंट सर्विसेज है. या फिर अगर किसी इवेंट बेस्ड प्लेसेस पर अगर कोई कैटरिंग की सर्विसेज, गुड्स और फूड की सर्विसेज आपको दी जा रही है तो वो आउटडोर कैटरिंग है. एंड डिक्लेयर टैरिफ में जितनी भी एमिनिटीज आपको रूम के साथ प्रोवाइड की जाएंगी उन सबके चार्जेस भी इंक्लूड किए जाएंगे. नाउ अंडरस्टैंड द बिल जनरेटेड बाय द रेस्टोरेंट्स और आउटडोर कैटरर्स. टेक योर बिल एंड अंडरस्टैंड इट. सबसे पहला सिचुएशन है कि जो आपका जो रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर है वो नॉर्मल टैक्स पेयर में रजिस्टर्ड है या कैजुअल टैक्स पेयर में रजिस्टर्ड है, ये आपको देखना पड़ेगा. अगर नॉर्मली जीएसटी के अंदर प्रोविजन है कि जो रजिस्टर्ड पर्सन हैं जीएसटी के अंदर वो अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की एक कॉपी प्रोमिनेंट प्लेस पे डिस्प्ले करेंगे जो कि सभी कस्टमर्स को ईजिली दिखाई दे सके. उस पे साफ लिखा होता है कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो एज एन एंटी यानी कि नॉर्मल टैक्स पेयर रजिस्टर्ड है या कैजुअल टैक्स पेयर रजिस्टर्ड है. दूसरा क्या है, जो कैजुअल टैक्स पेयर होता है वो अपने बिल्स पे एक डिक्लेरेशन लिखता है कि दैट ही इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपोजिशन स्कीम. सेकंड, जो कंपोजिशन स्कीम वाला होता है जो नॉर्मल टैक्स पेयर नहीं होता है वो कभी भी टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता, मतलब वो अपने बिल पर टैक्स नहीं लगा सकता. तो इसलिए आप पता लगा सकते हैं इन सब चीज़ों से कि वो नॉर्मल टैक्स पेयर है या कंपोजिशन टैक्स पेयर है. तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर कोई रेस्टोरेंट या कैटरिंग वाला नॉर्मल टैक्स पेयर है तो उस पर टैक्सेस के क्या प्रोविजंस हैं जीएसटी के अंदर. तो इसे दो कैटेगरीज में बांटा गया है. सबसे पहला है कैटेगरी वन, आउटसाइड होटल्स, मतलब जो रेस्टोरेंट की या कैटरिंग की सर्विसेज दी जा रही है वो होटल से बाहर दी जा रही है. जैसे कि आपके जो फूड चेन्स हो गए, पिज़्ज़ा हट हो गए, डोमिनोज हो गए, या जितने भी आपके लोकल रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पर आप खाना खाने संडे या सैटरडेज को जाते हैं वो आउटसाइड होटल्स बने हुए रहते हैं, तो उसे भी तीन कैटेगरीज में डाला गया है. स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट्स, रेलवेज IRCTs देयर लाइसेंसीज इन ट्रेन्स और प्लेटफॉर्म. आप देखेंगे रेलवे वाले भी अपना एक रेलवे स्टेशन्स पे काउंटर्स खोल के रखते हैं टू सर्व द ट्रेवलर्स, तो वो वाले रेस्टोरेंट. और आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज, यानी कि कोई इवेंट बेस्ड अगर कहीं पर होटल के आउटसाइड अगर कोई आउटडोर कैटरिंग की जा रही है तो उन सभी पर एक कंसोलिडेटेड रेट दिया गया है, जीएसटी रेट 5% विदाउट ITC. और एक ये मैंडेटरी रेट है, इस पे टर्म्स एंड कंडीशन है कि आप ITC क्लेम नहीं कर सकते. यानी कि जो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है वो जितना भी सामान खरीद के ला रहा है, चाहे वो फूड आइटम खरीद के ला रहा है या फिर चाहे वो कोई और सर्विसेज ले रहा है, उस पर उसने जो भी टैक्स दिया है वो उसका क्रेडिट नहीं ले सकता, उसे उसका क्रेडिट लेट गो करना पड़ेगा ऑन ए कंपल्सरी बेसिस. और उसके बाद वो स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट वाला या IRCTC वाला आपके बिल पर सिर्फ 5% का टैक्स लगाएगा, मात्र 5% का टैक्स उसे लगाने की अनुमति है, परमिशन है जीएसटी के अंदर. तो आप अपना बिल ध्यान से चेक कीजिए, जितने भी रेस्टोरेंट से आप खाना खा रहे हैं या फिर कोई भी आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज वाला अगर आपको बिलिंग कर रहा है तो उस रेट पर, जो उस बिल पर जो रेट होना चाहिए वो जीएसटी का सिर्फ 5% होना चाहिए.
अब ये विदाउट ITC वाली जो कंडीशंस है, ये रजिस्टर्ड टैक्स पेयर को कंप्लाई करनी है। उसे ध्यान रखना है कि वो 5% का अगर रेट लगा रहा है तो उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लेना है। बट बीइंग ए कस्टमर, आपको ध्यान देना है कि आपके बिल्स पर सिर्फ 5% का रेट लगाया जाए। सेकेंड कैटेगरी होती है विद इन होटल्स। कई बार क्या होता है, जो रेस्टोरेंट और आउटडोर कैटरिंग की सर्विसेज है वो होटल्स के अंदर दी जाती है, या आप अरेंजमेंट अपने कैटरर्स को होटल्स में बुलाते हैं और एक स्पेस ले लेते हैं वहाँ पर, और आउटडोर कैटरिंग के अरेंजमेंट करते हैं। रेस्टोरेंट्स होते हैं होटल्स के अंदर जो आपको खाना सर्व करते हैं, तो वो दूसरी कैटेगरी को डिवाइड किया गया है विद इन होटल्स। अब होटल्स को भी दो कैटेगरीज में बांटा गया है। सबसे पहली कैटेगरी है रूम टैरिफ लेस देन 7,500, यानी कि ये टैरिफ कौन सा है, ये डिक्लेयर टैरिफ है विद ऑल द एमिनिटीज लेस देन 7,500। अगर एक होटल में सिक्स टू सेवन टाइप्स के रूम्स हैं, सपोज कीजिए एक का रूम जो डिक्लेयर टैरिफ है वो 1,500 है, किसी का 5,000 है, किसी का 8,000 है, तो वो क्या अलग अलग डिपेंड करेगा कि आप किस रूम, आपने कौन सा अवेल किया है उसके बेसिस पे GST रेट डिपेंड करेगा? नहीं। उस होटल में अगर कोई भी कमरा 7,500 रुपये से ऊपर का हुआ तो वो दूसरी कैटेगरी में आ जाएगा। इससे कोई रिलेशन नहीं है कि आप वाला कमरा जो आप जिसमें ठहरे हुए हैं वो 5,000 का है या 7,500 से लेस देन है। उस होटल में कोई भी कमरा, अगर उस होटल ने उस कमरे का डिक्लेयर टैरिफ 7,500 रुपये से ज़्यादा रख रखा है तो वो सेकंड कैटेगरी में जाएगा, और अगर कोई भी कम अदरवाइज वो 5% वाली कैटेगरी में रहेगा। तो अगर आपके रेस्टोरेंट या आउटडोर कैटरिंग जो है वो आप उस होटल में है जहाँ पर डिक्लेयर टैरिफ उनके मैक्सिमम रूम का 7,500 से कम है, देन वो जो रेस्टोरेंट और आउटडोर कैटरिंग वाले जो आपको बिल इशू करेंगे वो मैक्सिमम 5% रेट का ही इशू कर सकते हैं, और उन्हें ध्यान रखना है कि वो किसी भी चीज़ का ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट ना लें। आपको ध्यान रखना है कि आपके बिल पर 5% का रेट लगे, और ये डिपेंड करेगा होटल्स पे, जो होटल्स के रूम टैरिफ पे कि वो 7,500 रुपये से लेस होना चाहिए। सेकंड कैटेगरीज आ जाती है कि अगर होटल जो है उसके डिक्लेयर टैरिफ 7,500 या उससे अधिक है तो जो रेस्टोरेंट और आउटडोर कैटरिंग वाले हैं वो 18% रेट्स चार्ज करेंगे विद ITC, मतलब उसमें उन्हें इनपुट टैक्स का क्रेडिट अवेलेबल हो जाएगा और उन्हें 18% का टैक्स कस्टमर से चार्ज करना है। तो बीइंग ए विजिलेंट कस्टमर, आप ध्यान दीजिए कि आप उन होटल्स में अगर आप आउटडोर कैटरिंग या रेस्टोरेंट अपना बर्थडे सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो उन होटल्स को प्रिफर करें जहाँ पर रूम रेंट्स कम है, 7,500 से कम है। इन दैट केस जो आउटडोर कैटरिंग वाले हैं वो आपसे 5% की ही बिलिंग करेंगे, 18% की बिलिंग नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आप अपना 13% टैक्स सेव कर सकते हैं। अगर आप उन होटल्स में कैटरिंग की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं जहाँ पे 7,500 या उससे ज़्यादा के डिक्लेयर टैरिफ हैं, देन आपको 18% टैक्स अपने बिल पर देना होगा। यहाँ पे लोगों की एक क्वेरी आती है कि GST तो 5% और 18% बिल्कुल करेक्ट चार्ज किया गया है, बट अलोंग विद दैट एक सर्विस चार्ज भी उन्होंने लगाया है, तो क्या ये भी GST एक्ट के अंदर लगाया गया कोई टैक्स है? तो इसका आंसर है नो। सर्विस चार्ज इज ए फीस चार्ज बाय द रेस्टोरेंट ओनर बींग टिप फॉर द वेटर एक्सेट्रा। तो जो रेस्टोरेंट ओनर है वो डिपेंड करता है रेस्टोरेंट ओनर पे, वो अपनी मर्जी से अपनी सर्विसेज के लिए एक सर्विस चार्ज लगाते हैं जो यूजली वो अपने वेटर्स को प्रोवाइड कर देते हैं। इट इज़ नॉट ए टैक्स, ये टैक्स नहीं है, ये उनकी सर्विसेज की एक फी है। तो टू कैलकुलेट द टैक्स, जो ये 5% और 18% चार्ज किया जाएगा, कैलकुलेट द टैक्स, सर्विस चार्ज विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द टैक्सेबल वैल्यू। मतलब ये सर्विस चार्ज अगर उन्होंने 100 रुपये का लिया है तो उस पर भी 5 और 18% जो भी रेट आपका बनता है उस रेट से टैक्स कंप्यूट किया जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन आता है कि इफ होटल एकोमोडेशन सर्विस प्रोवाइडर, आप सपोज कीजिए कि जो यहाँ पर ये वाला होटल है,
यहाँ पर, जहाँ पर डिक्लेयर टैरिफ 7,500 से अधिक है, और ये रेस्टोरेंट वाला, ये होटल वाला, अगर कोई खुद बाहर आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज दे रहा है कि भाई ये अपने होटल्स में ना देकर, रेस्टोरेंट की सर्विसेज अपने होटल में ना देकर बाहर दे रहा है, वो इस कैटेगरी में आना चाह रहा है, आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज वाली कैटेगरी में आना चाह रहा है कि वो विद इन होटल्स नहीं देना चाह रहा, तो इस चीज़ को कर्टेल किया गया है। इन होटल्स वालों को जो इन होटल्स वालों को जो कि अपने होटल्स में सर्विसेज ना प्रोवाइड करके बाहर सर्विस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं ताकि रेट कम लगा सकें, वो चीज़ को कर्टेल किया गया है। साथ ही इन होटल्स में अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर पहले से लोकेटेड है, वो आपको बाहर कोई सर्विसेज आउटडोर कैटरिंग की प्रोवाइड कर रहा है, तो उस चीज़ को कर्टेल किया गया है और कहा गया है कि इन दैट केस ऑल्सो आपका 18% टैक्स ही लगेगा, यानी कि आप इस तरीके की टैक्स प्लानिंग नहीं कर सकते। तो समझते हैं इसे, इफ होटल अकोमोडेशन सर्विस प्रोवाइडर हैविंग डिक्लेयर टैरिफ ऑफ 7,500 और अबव, मतलब आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं अभी, विद इन होटल्स आ रहे हैं और अदरवाइज वाली कैटेगरी में आ रहे हैं, और आप होटल ओनर हैं, और एनी सप्लायर लोकेटेड इन सच होटल, मतलब ऐसे 18% वाले होटल्स में कोई और सप्लायर है, हम बींग ए कस्टमर उसके पास गए कि भाई ऐसा है हम आपसे जो आउटडोर कैटरिंग की सर्विसेज है इस होटल में नहीं लेते, बाहर ले लेते हैं तो 5% का रेट लग जाएगा। तो यहाँ पर ये साफ क्लैरिफाई किया गया है कि इफ सच होटल सर्विस प्रोवाइडर और एनी सप्लायर लोकेटेड इन सच होटल प्रोवाइड्स आउटडोर कैटरिंग और कंपोजिट कैटरिंग एट ए प्लेस अदर देन सच होटल, देन व्हाट विल बी द रेट? रेट विल बी 18% विद ITC। रेट ऑफ 5% विदाउट ITC इज नॉट अलाउड टू सच प्रोवाइडर्स। तो ये ध्यान रखा गया है कि होटल्स वाले जो हैं, रूम टैरिफ 7,500 एंड अबव है, तो अगर वो भी कहीं बाहर सर्विसेज देते हैं तो उन पे लगने वाला रेट 18% ही रहेगा, वो 5% वाली कैटेगरी में नहीं आ सकते। उम्मीद है आप इस चीज को समझ गए होंगे। सेकेंड कैटेगरी आती है रेस्टोरेंट या आउटडोर कैटरर्स रजिस्टर्ड एज ए कंपोजिट टैक्स पेयर। अब कंपोजिशन टैक्स पेयर से जो रिगार्डिंग रूल्स हैं और जो सेक्शन है वो सेक्शन 10 है CGST एक्ट का, उसी से रिलेटेड रूल्स हैं, उन सब की एक क्रक समरी मैंने यहाँ पे लगाई है कि अगर आप रेस्टोरेंट ओनर हैं और आपने कंपोजिशन टैक्स पेयर के तौर पर रजिस्ट्रेशन लिया है, तो सबसे पहली तो दो चीज़ें आपको जो अपने बिल्स पर है, टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करना, बिल ऑफ सप्लाई इशू करना है, साथ ही आपको जो डिक्लेरेशन है अपने बिल्स पर डालनी है कि आप कंपोजिशन टैक्स पेयर के अंदर रजिस्टर्ड हैं। तो रेस्टोरेंट्स आर रिक्वायर्ड टू पे GST एट ए कंसेशनल रेट ऑफ 5% विदाउट ITC। अब लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि कंपोजिशन वाले के लिए भी 5% है, नॉर्मल वाले के लिए भी रेट 5% है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि यहाँ पर ये जो 5% का टैक्स है, ये कस्टमर से चार्ज नहीं किया जा सकता, मतलब अपने बिल पर आप किसी भी तरीके का कोई भी टैक्स नहीं लगा सकते, ये आपको अपनी पॉकेट से, बींग ए रजिस्टर्ड टैक्स पेयर, आपको अपनी पॉकेट से 5% जमा कराना है। तो ये किसके लिए बेनिफिशियल रहेगा? जो 18% वाले सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए बेनिफिट रहेगा कि वो 5% अपनी जेब से जमा कराकर इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। इसमें लेस कंप्लाइंस रहेगी, इस मंथ क्वार्टरली पेमेंट करनी होगी और ईयरली रिटर्न्स है तो कंपोजिशन में वो रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। इसी से रिलेटेड कुछ कंडीशंस हैं, उनको समझते हैं। टर्नओवर नॉट टू एक्सीड 1.5 करोड़ एंड ₹1 करोड़ इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। तो आपकी जो टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, तभी आप कंपोजिशन टैक्स पेयर में रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। जिस दिन आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से एक्सीड कर गई, उसी दिन से आपका ये कंपोजिशन टैक्स पेयर का जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑटोमेटिकली नॉर्मल टैक्स पेयर के रजिस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। शुड नॉट बी एंगेज इन एनी सर्विसेज अदर देन दी रेस्टोरेंट सर्विसेज, मतलब आप जो रेस्टोरेंट के अलावा किसी और तरीके की सर्विसेज नहीं दे सकते। स्पेशल एक्सेप्शन कार्व्ड आउट फॉर द सर्विसेज लाइक इंटरेस्ट एंड एग्जेम्प्ट सर्विसेज,
मतलब इसमें क्या है कि जो इंटरेस्ट है, अगर आप किसी को लोन प्रोवाइड करते हैं और उस पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है या फिर कोई एग्जेम्प्ट सर्विसेज हैं तो वो आप दे सकते हैं, उसकी कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन हाँ, कोई रेस्टोरेंट के अलावा आप कोई और अदर टैक्सेबल सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते फॉर द पर्पज ऑफ कंपोजिशन टैक्स पेयर। रेस्टोरेंट कैन नॉट मेक इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स। कंपोजिशन टैक्स पेयर में जो आपका एरिया है वो लिमिटेड कर दिया जाता है कि आपने जिस स्टेट के अंदर रजिस्ट्रेशन कराया है सिर्फ आप अपने गुड्स की सप्लाई उसी स्टेट में कर सकते हैं। कैन नॉट सप्लाई एनी गुड्स एग्जेम्प्ट अंडर द GST। आप किसी भी तरीके के एग्जेम्प्टेड गुड्स की सप्लाई नहीं कर सकते। दे कैन नॉट सप्लाई गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। जैसे वो अपने गुड्स को वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बेच नहीं सकते, तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बेचने के लिए मना कर दिया गया। मतलब उनको अपने रिटेल आउटलेट्स खोलने पड़ेंगे और उसी के थ्रू वो अपना आइटम्स रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन आजकल का अगर आप एनवायरनमेंट देखेंगे तो हर चीज़ प्लेटफॉर्म ई प्लेटफॉर्म पर सोल्ड आउट हो रही है, तो इन दैट केस अगर आप कंपोजिशन में रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। रेस्टोरेंट कैन नॉट अवेल एनी इनपुट टैक्स क्रेडिट। दे कैन नॉट कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द कस्टमर्स। तो आप समझ चुके होंगे कि कंपोजिशन टैक्स पेयर में अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको 5% जो टैक्स है वो अपनी जेब से पे करना पड़ेगा और ITC का कोई भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। इससे रिलेटेड कई सारी कंडीशंस हैं जिसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा। साथ ही अगर आप बींग ए रेस्टोरेंट ओनर नॉर्मल टैक्स पेयर में रजिस्टर्ड हैं तो अगर आप इन कैटेगरीज में आते हैं तो आपको 5% का रेट लगेगा, और अगर आप विद इन होटल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ पर रूम टैरिफ लेस देन 7,500 है तो 5% का ही टैक्स लगेगा। अगर कोई होटल है जिसमें रेट टैरिफ 7,500 या उससे ज़्यादा है तो 18% का टैक्स लगेगा, और साथ ही जो टैक्स है वो सर्विस चार्ज की वैल्यू पर भी कंप्यूट किया जाएगा। उम्मीद है आपको GST में जो रेस्टोरेंट सर्विसेज का स्ट्रक्चर तैयार किया गया है उसके बारे में समझ में आया होगा। आप अपनी कोई भी इन्फॉर्मेशन या जानकारी अगर मुझसे और कुछ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।